जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानेगी तब तक हम चलते रहेंगे। सरकार के और जवान के बीच का जो कड़ी है वो एक मेरे हिसाब से बहुत ही खराब है। डर लगता है तो फौज में जाते क्यों, डर लगता है तो फौज में भर्ती क्यों होते। अगर सरकार जो कहती वो करती तो यहाँ ये जवान और ये मजदूर हैं वो धरना दे के जंतर मंतर पर नहीं बैठते। अगला स्टेप हमारा जो है वो भी हम सोचते हैं कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो उसके ऊपर भी विचार करेंगे। जवानों के लिए जो करने वाले होते हैं वो बिना बताए ही जवानों के लिए कर देते हैं और बीच मतलब आप कह रहे हैं कि जुमला देते हैं। हाँ, वो आप जो कह रहे हैं वो नहीं करते तो वो जुमला ही समझिए। अगर हकों के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो आने वालों को हम क्या देके जाएंगे। जनता सरकार को चुन के भेजती है, वो सरकार अगर जन विरोधी हो तो फिर क्या काम किया। अगर एक नेता 10 बार जीतता है तो 10 बार पेंशन लेता है क्यों। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आप धूप एक बार देख सकते हैं कि कितनी कड़ी धूप है। मैं अभी दिल्ली में मौजूद हूँ, दिल्ली के जंतर मंतर पे, और यहाँ पे सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि अगर ज़्यादा आवश्यक ना हो तो आप घर से भी ना निकलें, आप अपना बचाव खुद करें। लेकिन लोग मजबूर हैं इस कड़ी धूप में भी धरना देने को, अपने पेट के लिए, अपनी मांगों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए लोग अभी भी इस कड़ी धूप में धरना दे रहे हैं। वो लोग कोई और नहीं हैं, हमारे देश के जवान हैं जो आज अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, और कभी यही जवान बॉर्डरों पे रह के हमारी सुरक्षा करते थे। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि जहाँ पे नेता हर लोग जो हैं घरों में, आप भी अभी जो देख रहे हैं, जो दर्शक हैं अभी, आप भी अपने घर में बैठे होंगे, एसी में, पंखे में, छांव में बैठे होंगे, लेकिन ये इतने मजबूर हो चुके हैं कि ये इस कड़ी धूप में भी जंतर मंतर पे धरना देने को मजबूर हैं। आज 58वां दिन है, 59वां दिन है, और ये लोग यहाँ भी यहाँ आज तक मौजूद हैं। आप सोच सकते होंगे, आप खुद में कल्पना कीजिए कि क्या बीतती होगी इन पे। ये जो मौत का खेल ये लोग खेल रहे हैं सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने मांग के लिए, अपने परिवार के लिए, ये लोग यहाँ पे अभी कभी देश के हित में और कभी अपने हित के लिए ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। हालांकि हम तो लगातार इनसे रिपोर्ट लेते रहते हैं, हम इनसे बात करते रहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से निकलने को मना कर दिया जाता है कि घर से ना ही निकले तो बेहतर है, साथ में पानी लेके चले, छाता लेके चले। लेकिन आप देखिए ये नज़ारा, हम इनसे बात करेंगे एक एक करके कि इतने मजबूर हो चुके हैं ये लोग। मेरे साथ एक पूर्व सैनिक, आप भी पूर्व सैनिक हैं या अभी कार्यरत हैं? मेरे साथ एक पूर्व सैनिक हैं जो अभी मजबूर हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं कि कितनी भारी जो है, भयंकर धूप है, 42 डिग्री लगभग है धूप, और इस पे अभी तक इन लोगों का 59वां दिन है आज, और मजबूर हैं यहाँ पे धरना देने के लिए। हम इनसे पूछेंगे कि आपको डर नहीं लगता है, इतना धूप है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है सरकार की तरफ से कि ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो आप बाहर ना निकलें, लेकिन आप लोग 59 दिन से यहाँ पर हैं। हम सरकार से भी यही कहना चाहेंगे कि हमने जो सेना में नौकरी करी है तो 48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी हम राजस्थान में तपती धूप में भी नहीं रुकने वाले थे, और हम तो खासकर हैं ही राजस्थान से ही चल के आए हैं, इसलिए हमारे को गर्मी की कोई परवाही नहीं है। आप चाहे हमें एक जून के महीने में भी अगर भरी गर्मी में भी बिठा दोगे तो हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और देश का हर सैनिक, चाहे वो कश्मीर का हो, नागालैंड का हो, उसकी ड्यूटी अगर कश्मीर में है तो वो कश्मीर में भी ड्यूटी करता है, अगर वो राजस्थान में आता है तो वो राजस्थान में भी नौकरी करता है। हमें इस प्रकार से पका दिया जाता है एक सैनिक को कि चाहे वो राजस्थान का सैनिक है, वो कश्मीर में -48 डिग्री में नौकरी कर रहा हो, चाहे वो नागालैंड का या कश्मीर का लड़का है, वो राजस्थान में माइनस में नौकरी कर रहा हो, प्लस में नौकरी कर रहा हो, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा शरीर जो है उसी प्रकार का बन जाता है। सर, आप तो फिर भी सैनिक हैं, लेकिन यहाँ पे आप उधर मजदूर को देख सकते हैं, नरेगा मजदूर हैं, कहीं ना कहीं भूख और पेट मायने रखता है, क्या कहते हैं? भूख पाने नहीं रखता, ये सब चीज़ें हैं वो अपने हक के लिए लड़ाई जाती है। अभी हर आदमी को अपने हक के लिए लड़ना वो ज़रूरी है, क्योंकि सरकारें हैं उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनको अगर हम कहते हैं किसी के साथ में ज्ञापन देके तो वो हमारी ज्ञापन पर ध्यान ही नहीं देते हैं, तो ये मजबूर हो जाते हैं हम कि सरकार को ये हमारी बातें माननी चाहिए, उसके लिए हमें ये संघर्ष करना पड़ता है। तो सर, इतना
इतना मजबूर होना जरूरी है? आप अभी घर में भी बैठ सकते हैं, ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से किसी की जान जा सकती है, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर है। खैर आप लोग को तो ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन क्या ये जरूरी है, इतना जरूरी है कि आप लोग 60 दिन लगभग अब होने वाले हैं आप लोग के, क्या आप लोगों ने ठान रखा है कि जब तक हक लेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं? हम चाहे 60 दिन नहीं, ये लगातार धरना चलता रहेगा, सरकार के खिलाफ बोलते रहेंगे, जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानेगी तब तक हम चलते रहेंगे। हमें इससे कोई परवाह नहीं है। हमने सब घर परिवार के अंदर जो मेंबर हैं उनको बोल दिया है कि आप काम करिए, हम यहाँ रह के और सरकार से हमारी मांगे जब तक नहीं मानेंगी हम यहाँ लगातार धरना देते रहेंगे। जहाँ एक तरफ सरकार कहती है जवान, किसान, मजदूर, महिलाएं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक ये दिन भी देखना पड़ रहा है कि सैनिक आज धरने पे। सरकार अगर कहती है तो कहने में और करने में उनके अंतर है, कथनी और करनी में इसलिए अंतर है कि अगर सरकार जो कहती वो करती तो यहाँ ये जवान और ये मजदूर हैं वो धरना देके जंतर मंतर पर नहीं बैठते। किसी को शौक नहीं है यहाँ के आके, हम राजस्थान से, नागालैंड से, कश्मीर से जो चल के आ रहे हैं पूर्व सैनिक और यहाँ धरना दे रहे हैं, सरकार को अपनी बातें बता रहे हैं, तो ये सब मजबूरी है उनकी कि सरकार उनकी बातें मानती नहीं है, सबको बराबर हक दे ही नहीं रही है, नहीं दे रही है, इसलिए लेने के लिए हम यहाँ संघर्षरत हैं। तो एक और सवाल है कि एक तो आप लोग, हालांकि बहुत लोग धरना नहीं देते हैं, धूप की वजह से बोलते हैं आराम करते हैं बाद में धरना दे देंगे, आप लोग भी ये कर सकते हैं कि अभी बंद करके बाद में दे सकते हैं धरना, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, हम लगातार धरना देने के लिए काबिल हैं और हमारे जो जवान हैं वो ये चाहते हैं कि हमें चाहे कितना भी मजबूर होना पड़े लेकिन हम सरकार तक हमारी बात पहुंचा के रहेंगे और नेक्स्ट प्रयास भी हमारा जारी रहेगा। अगला स्टेप हमारा जो है वो भी हम सोचते हैं कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो उसके ऊपर भी विचार करेंगे। जब वोट की बारी आती है तो सरकार हर वो वादे करती है जिससे लोग पिघल जाते हैं और वोट देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि यही वो सरकार है जो लोगों के लिए, नागरिकों के लिए काम करेगी, लेकिन आज यहाँ से संसद भवन ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास में संसद भवन है और ये लोग 60 दिन से यहाँ पे हैं लगभग, लेकिन सरकार तक अभी तक इनकी आवाज़, आपको क्या लगता है सरकार तक नहीं पहुँची होगी आवाज़? सरकारें हैं वो, ऐसा होता है जो हम बना के भेजते हैं, सरकारें हमारी होती हैं, वो कोई आगे से बन के नहीं आती। संसद भवन पास में है। हाँ, संसद भवन भी पास में है और मीडिया जो है वो एक बहुत ही अच्छा स्तंभ है कि लोगों तक ये हमारी बातें पहुंचाती है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि संख्या बल देखते हैं, कितने लोग हैं वो सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, कितने लोग हैं जो सरकार के विपक्ष में बोल रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि ऐसे ही काम चल जाए तो ठीक है, ये ऐसे ही धरना दे के चले जाएँ तो हम जो चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन ये सरकार को हम बताना चाहते हैं कि ये संख्या बल कम नहीं है, ये जो यहाँ से 20 आदमी धरना देके चले जाते हैं वापस, यहाँ 10 दिन बाद में फिर से आ जाते हैं, ये जब जाके वापस गांव से आते हैं तो 100 के साथ 10 के साथ में 100 को और लेके आते हैं, तो ये संख्या धीरे धीरे बढ़ने वाली है। तो क्या होगा, क्योंकि अभी इतने दिन बीत चुके हैं, अभी तक कुछ उधर से आया है कुछ जवाब कि आपकी मांगे कब तक पूरी होगी, ऐसा कुछ नहीं? अभी तक तो हम, मेरे संज्ञान में नहीं है कि हमारी सरकार ने किसी डेलीगेशन को बुलाया हो और हमारी बातें कहीं बोलने के लिए किसी को बोला हो। हमारी ऑल इंडिया कमेटी भी यहाँ एक गठित हुई है और वो सरकार से बातें करेगी, अगर सरकार हमें बुलाएगी कि आपकी बातें क्या हैं, आपकी क्या है मांगे, उनको सुनने के लिए तैयार है तो हम जरूर जाएंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री कभी बॉर्डर पर जाके कपड़े पहनते हैं फौजियों के और फिर मिठाइयाँ भी खाते हैं होली दिवाली में, लेकिन अभी नहीं आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैडम ये सारी चीज़ें राजनीतिज्ञ जो भी होता है वो अपनी राजनीति के लिए करता है, जवानों के लिए कोई नहीं करता है। जवानों के लिए करते होते तो यहाँ ये 60 दिन से धरना चल रहा है, ये धरने पर नहीं बैठते हम। जवानों के लिए जो करने वाले होते हैं वो बिना बताए ही जवानों के लिए कर देते हैं, और बीच में जो सरकार के और जवान के बीच का जो कड़ी है वो एक मेरे हिसाब से बहुत ही ख़राब है। वो ये नहीं चाहती कि जवानों का भला हो, जवानों को ये सारी वेलफेयर वगैरह चीज़ें हैं वो मिलें, सरकार तक भी ये सारी चीज़ें पहुंचती नहीं है, सरकार को देखना चाहिए। जब प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो सबके नज़र में बहुत अच्छी छवि थी उनके लिए कि अच्छा करेंगे कुछ, जिस तरीके से उन्होंने बोला था हम गरीब माँ के बेटे हैं, चाय बेच के राजनीति में आए हैं, अभी क्या छवि है उनकी आप लोगों के नज़र में? हम राजनीति के जो भी आदमी होता है उसकी कोई छवि नहीं होती है, वो सच्चाई भी बोलता है, झूठ भी बोलता है, जनता के सामने जो बोलता है वो कुछ करता नहीं है, ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आ रही हैं धीरे धीरे। वो कुछ भी बोलें, जो 2014 में जब वो आए थे तब पहले से राजनीति में थे और अभी भी वो राजनीति में हैं, तो लोग लुभावनी जो हैं घोषणाएँ वो करते रहते हैं और कथनी और करनी में उनके अंतर होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि जुमला देते हैं? हाँ, वो आप जो कह रहे हैं वो नहीं करते तो वो जुमला ही समझिए। तो अब जवान क्या क्या करेगा, जैसे कि अभी 10-20 करके आ रहे हैं,
किसी ना किसी दिन तो आप लोगों का सब्र का बांध ये टूटेगा, किसी ना किसी दिन तो आपको ये गर्मी हराई देगी, किसी ना किसी दिन तो गुस्सा आएगा जवान को भी, फिर आखिर में क्या करेंगे हम? जवान को वैसे तो गुस्सा नहीं आता, क्योंकि हमारे अंदर जो भावना है वो देश प्रेम की भावना है, और हम चाहते हैं कि जो देश के अंदर जनता है वो हमारे से तंग ना हो, हम किसी के लिए मजबूर न बन जाएं कि हमारे इनकी वजह से हम तंग हो रहे हैं। तो हम सरकार को ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो जंतर मंत्र पर धरना चल रहा है, हम ये एक सिस्टमेटिक तरीके से चला रहे हैं, तो सरकार अगर इन चीज़ों को देखते हुए अगर हमारी बातें मान लेती है तो हम मजबूर नहीं होंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा, सरकार नहीं मानेगी, तो हमारा नेक्स्ट प्लान जो होगा वो सोच समर का होगा, वो हम अभी नहीं बताना चाहेंगे। आप भी पूर्व सैनिक से हैं, तो क्या आपकी उम्र भी हो रही है, आपको डर नहीं लग रहा है कि कभी कुछ हो जाएगा? डर लगता है तो फौज में जाते ही क्यों? डर लगता है तो फौज में भर्ती क्यों होते? जब देश तो उम्र हो रही है तो क्या डर? तो कलेजे में पैदा होता है मैडम, उम्र से नहीं आता डर, है ना, वो कलेजे में पैदा होता है। इतनी धूप में आप में इतना अंदर से है कि आप यहाँ पे इतनी धूप में, कड़ी धूप में? हाँ बिल्कुल, किसान के बेटे हैं, कोई बनिए नहीं है। बनियों से? आपने सही कहा, बनियों से क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत नहीं है, ये कहावत है कि किसान का बेटा वो धूप में तप तप के पक्का होता है, बनिया का बेटा वो धूप में नहीं तप तप। आपको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है? हाँ जी, लोकतंत्र खतरे में आपको भी लगता है सर? लोकतंत्र खतरा, लोकतंत्र जाने मेरे को क्या पता, मेरे को तो हमारी फिक्र है, हमारे को तो लोकतंत्र खतरे में नहीं लग रहा है या नहीं है? देखो लोकतंत्र खतरे में जब जनता, जवान, मजदूर, किसान, छात्र जब यहाँ सड़कों पे हैं, तो ये लोकतंत्र पर एक आँच आती है कि भाई रियली कहीं लोकतंत्र में कोई ना कोई कमियाँ पैदा हो रही हैं, आ रही हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ आए हैं। नहीं तो सरकार को ये सोचना चाहिए था कि जवान, किसान, मजदूर और ये छात्र ये क्यों सड़कों पर आए, तो किस लिए सड़कों पर आए, किस काम के लिए आए, और ये विसंगतियाँ क्यों जनरेट हुई, जनरेट होनी ही नहीं चाहिए थी। जब जिस सरकार को हमने चुन के भेजा है, वो सरकार अगर देश की जनता का, देश के जवान का, देश के किसान का, मजदूर का, छात्र का, सभी वर्गों का अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे तो लोकतंत्र स्वाभाविक है कि लोकतंत्र पे अंगुलियां उठेंगी। अभी अमित शाह महाराष्ट्र गए थे, वहाँ पे उन्होंने बहुत भारी संख्या में रैली बुलाई, उन्होंने सबको संबोधित किया और उसी में कुछ लोगों की मौत हो गई धूप के वजह से, और आप लोग भी आज धूप में यहाँ है, उस खबर से आप लोग प्रेरित होइए और घर जाइए, अगर यहाँ पे कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम हमारे यहाँ हकों के लिए, हक की लड़ाई के लिए आए हैं, न किसी राजनीतिक इशू या किसी डर, वो डर हम छोड़कर आए हैं, इसलिए छोड़कर आए हैं कि हमारे अगर हकों के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो आने वालों को हम क्या देके जाएंगे, आने वाली पीढ़ियाँ उनको हम क्या देके जाएंगे। जैसे ये अग्निवीर योजना है, आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी, और कह भी रही है कि अगर आप हकों के लिए लड़ाई नहीं लड़ोगे तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। और अपने हक के लिए लड़ना लोकतंत्र में स्वाभाविक है, लोकतंत्र, जनतंत्र, जो जनता सरकार को चुन के भेजती है वो सरकार अगर जन विरोधी हो तो फिर क्या काम किया है? जन विरोधी आपने, मैं नहीं कह रही हूँ, हालांकि जब भी लोग कोई भी प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं, किसान, जवान, ज़्यादातर किसान आते हैं, मजदूर आते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं वो लोग यहाँ पे मजबूर होते हैं, और कुछ लोग यहाँ आते हैं और एक दिन के प्रोटेस्ट के बाद चले जाते हैं, लेकिन ये जवान हैं और उधर नरेगा के मजदूर हैं जो मजबूर हैं यहाँ पे रहने के लिए इस तपती धूप में अपनी मांगों को लेके, क्योंकि उनकी ज़रूरत है, क्योंकि उन वो मजबूर हो चुकी है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। हालांकि परिवार की जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि हमारे पीछे, आपके भी पीछे कई परिवार होंगे, आपको भी किसी का पेट भरना होता है, अपना अपने घर को चलाना होता है, तो फिर आप यहाँ पर हैं तो वो भी प्रभावित हो रहे होंगे? हाँ ये स्वाभाविक है, प्रभावित तो होंगे, क्यों नहीं होंगे, बट जब हम यहाँ आए हैं तो वो परिवार भी जिंदा है, क्योंकि अगर जिनका हक छीना जा रहा है तो उनके परिवारों का भी तो हक छीना जा रहा है, तो हम उन परिवारों के लिए भी आए हैं, खुद के परिवार के लिए भी आए हैं, और सरकार इसमें संज्ञान ले, सरकार सोचे, और सरकार अपनी को डेलीगेट भेजे मिलने के लिए, या किसी इन सैनिकों के डेलीगेशन को वहाँ बुलाए और वार्तालाप करे, वार्तालाप से सारी चीज़ें संभव हैं, और अगर सरकार अनसुनी करती है तो ये लोकतंत्र में अच्छा नहीं है। एक सवाल है और यही जवाब भी है कि जब एक दिन के लिए भी कोई नेता, मंत्री, सांसद, कोई भी इंसान एक दिन के लिए सांसद भी बन जाता है तो उसको जिंदगी भर के लिए पेंशन मिलता है, लेकिन ये वो जवान है, अगर एक नेता 10 बार जीतता है तो 10 बार पेंशन लेता है, क्यों?
इसका आगे क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्यों आप जवाब दीजिए। तो ये खुद में एक सवाल है और जवाब भी कि जब एक कोई नेता मंत्री या कोई भी अगर रिटायर हो या एक बार बन जाता है तो वो जिंदगी भर के लिए पेंशन लेता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो लोग कड़ी धूप में, बरसात में, बर्फबारी में हर हमेशा जो है बॉर्डर पे मौजूद रहते हैं, अपने जान को खतरे में डाल के, अपने परिवार को पीछे छोड़ के। लेकिन आज ये है इनकी, आप ये तस्वीर देखिए कि 50-60 दिन से ये यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं। और संसद भवन बहुत ही पास में है जहाँ पे मोदी जी बॉर्डरों पे जाते हैं मिठाइयाँ खाने के लिए, तस्वीर लेने के लिए, लेकिन यहाँ अभी तक जवानों की बात तक सुनी नहीं जा रही है। एक बार और मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी धूप है यहाँ पे, आप देखिए। और आप लोग अभी घर में बैठे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, अपने परिवार के साथ खेल रहे होंगे, लेकिन ये जवान को देखिए आप, इन सारे जवानों को कि किस तरीके से मजबूर हो चुके हैं। आपकी इस पूरी खबर पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। सहयोगी खुशबू के साथ मैं शिखा सिंह, जंतर मंतर, दिल्ली।